राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स हमको कहाँ से मिलती हैं? ह्यूमन राइट्स हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे। वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कीस बानो के रेपिस्ट जिन्होंने उसके उनके साथ और उनकी माँ के और उनकी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उन्हीं के अपने 14 के करीब लोगों को मार डाला था, नरसंहार किया था 2002 में, और उनको शाबाशी देना पड़ेगी बिल्कीस को कि उन्होंने अथक कोशिशें करके मुकदमा लड़ा और आखिर में जीती और इन 11 लोगों को जेल हुई। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है। बलात्कारियों की रिहाई रद्द करो, हत्यारों की रिहाई रद्द करो, प्रीमेच्योर रिलीज यानी किसी को जल्दी छोड़ना, ऐसा होना कोई गलत चीज नहीं है किसी का। इन जनरल बहुत सारे लोगों को छोड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहे हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं, वो सुधर गए हैं, उनको समाज में वापस रिहैबिलिटेट करना अच्छा होगा। और प्रिसाइडिंग जज ने जिनको उनको सज़ा दी, जिन्होंने, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये छोड़ने लायक हैं, उनमें सुधार हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख करके किसी को छोड़ा जाता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ छोड़े गए हैं भाई, जो सवाल जज ने पूछा उसी सवाल का जवाब दे देते हैं। सवाल जज ने पूछा कि बहुत जघन्य अपराध किया भी हो इन्होंने, तब उनको जल्दी क्यों ना छोड़ा जाए? जघन्य अपराध किया है लेकिन उसका उनको सज़ा मिल चुकी है, कन्विक्शन हो गई है, यहाँ हम सिर्फ रिमिशन की बात देख रहे हैं। तो जवाब उसका ये है कि जघन्य अपराध की वजह से इनको मालाएं पहनाई जा रही, माला पहनाना और लड्डू खिलाना, ये जो उनका हो रहा है, इनको हीरो बनाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई जिस शूरवीरों ने मुस्लिम महिला की हत्या की, मुस्लिम परिवार का सफाया किया, मुस्लिम बच्ची का सर जो है फाड़ा, उसको जो है दिखा दिखा करके अब हम गुजरात चुनाव में 20 साल पहले की हत्या को याद दिला करके हम वोट मांगने वाले, इसीलिए 2022 में 2002 के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए जो है जवाब सीधा जो है बीजेपी से और प्रधानमंत्री मोदी से करना होगा। ब्राह्मण संस्कारी कह करके छोड़ा जा रहा है, तो ये पूछना होगा कि यही आप ला रहे हैं, मनुस्मृति राज ला दिया आपने। उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग हैं, अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा है उसको फौरन रद्द कर देना चाहिए पार्टी से। ये तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डालने वाला सवाल है, क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे लोगों को छोड़ करके आप उनको और भी ज़्यादा असुरक्षित बना रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह का ये फैसला है और जिस तरह से तमाम नियमों को ताक पर रख करके ये फैसला लिया गया है और जिस तरह की टिप्पणियां शासक दल के साथ जुड़े हुए लोगों की आई हैं, जैसे कि जब ये लोग छूटे तो इनका महिमा मंडन हुआ, इनको फूल माला पहनाई गई और इनके बारे में कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा था? मतलब क्या अब आगे जुर्म को नहीं देखा जाएगा, मुजरिम की जात और मुजरिम का धर्म देखा जाएगा और जो पीड़ित पक्ष है उसकी जात और उसका धर्म देखा जाएगा? इसलिए हमने ये जो याचिका दर्ज की वो इसीलिए कि ये मामला केवल बिल्कीस बानो के लिए लड़ने का मामला नहीं है, वो बहुत लड़ी है वो महिला, वो इतना लड़ी है जो हम लोग उनकी जगह होते तो न लड़ पाते, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, हमको उसे भी न्याय दिलाने की बात करनी है लेकिन इसके साथ साथ इस देश के अंदर न्याय प्रक्रिया को बचाने की लड़ाई भी लड़नी है। आप ये देखिए कि क्या ऐलान कर रहे हैं वो, कि एक तरफ तो ये कि औरत के ऊपर अपराध अपराध नहीं है, उन अपराधियों को खुली इम्प्यूनिटी है कि जा बेटा जो करना है कर। दूसरा, मुसलमान औरत
सेकंड क्लास सिटीजन हो गई है। बिल्किस ने तो कह ही दिया है कि ये कैसा न्याय हुआ है मेरे साथ। तो हम देख रहे हैं कि मनुवाद लौट के आ रहा है। आज मुस्लिम महिलाओं की बारी है, मनुस्मृति राज जब आएगा, संविधान हट जाएगा, तो उसमें तो सारी महिलाएं, दलित महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, हर महिला, क्योंकि मनुस्मृति महिला विरोधी है, ये राज आने जा रहा है, ये खटखटा रहा है हमारे दरवाजे पर। दरवाज़ा एक तरह से खोल चुके हैं ये लोग, उस दरवाजे को दोबारा बंद करना ये देश के हर नागरिक का काम है। उस काम को इसी से शुरू किया जाए कि नरेंद्र मोदी से कहा जाए, आपके मुंह से हम बिल्किस बानो नाम सुनना चाहते हैं, से हर नेम। ये लग रहा है कि ये एक फैसला है जो मानवता के खिलाफ है, और इस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी याचिका को स्वीकार किया, उस पर उन्होंने ऑर्डर भी दिया। तो ये एक लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, और इसके साथ और भी लड़ाइयाँ जुड़ेंगी, उनको भी लड़ा जाएगा, लड़ना तो है ही।